Hey guys, this is Diksha Juhi. Welcome to my channel Easy to Learn. Guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई वॉल्टर जी रोजेन इन 1985. गाइज, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, उसका यूज जो है सबसे पहले वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 यानी 1985 में किया था. इट मीन्स द वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस. गाइज, इसका अर्थ है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता दिखाना. इन द सिंपलेस्ट सेंस, बायोडाइवर्सिटी मे बी डिफाइंड एज रिचनेस ऑफ स्पीसीज, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहिबिटिंग इन अ गिवन हैबिटेट. गाइस, सरलतम तरीके में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को रिचनेस ऑफ स्पीसीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि किसी दिए गए निवास स्थान में पौधों, जानवरों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रजातियों की संख्या होती है. नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ 3287263 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्नो कवर्ड हिमालय टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ. गाइज, भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है, जिसमें बर्फ से ढकी हुई हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन शामिल हैं. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा डाइवर्सिटी जोन, इट हैज़ रिच फ्लोरा. गाइज, भारत दुनिया के विशालतम विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है. यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. अवेलेबल डाटा इंडिकेट दैट इंडिया इज इन द 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स. गाइज, उपलब्ध डाटा के अनुसार भारत विविधता में विश्व में 10वें स्थान पर तथा एशिया में 4थे स्थान पर है. द मेन लैंड ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 4 रीजन. गाइज, भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं, जो कि हैं नंबर 1 ग्रेट माउंटेन जोन, नंबर 2 प्लेन्स ऑफ गंगा, नंबर 3 प्लेन्स ऑफ इंडस, नंबर 4 डिजर्ट रीजन. With a wide range of climatic condition, India has rich and varied vegetation. Guys, जलवायु की एक विशाल श्रृंखला के साथ भारत में बहुत अधिक व भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. India can be divided into 8 floristic regions, that is, guys, भारत को 8 वनस्पतिकीय क्षेत्र में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न हैं. नंबर 1 वेस्टर्न हिमालयाज, नंबर 2 ईस्टर्न हिमालयाज, नंबर 3 असम, नंबर 4 इंडस प्लेन, नंबर 5 गंगा प्लेन, नंबर 6 डेक्कन, नंबर 7 मालाबार, नंबर 8 अंडमान्स. तो चलिए गाइज, इन्हें भी देख लेते हैं. पहला है वेस्टर्न हिमालयाज रीजन. द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू कुमायूं. गाइज, जो वेस्टर्न हिमालयाज रीजन है वो कश्मीर से लेकर के कुमायूं तक फैला हुआ है. दिस रीजन इज रिच इन फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार एंड जूनिपर. नेक्स्ट है गाइज ईस्टर्न हिमालयाज रीजन. गाइज, दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिक्किम टू दार्जिलिंग. गाइज, ये जो रीजन है वो सिक्किम से लेकर के दार्जिलिंग तक फैला हुआ है. दिस रीजन हैज़ द फॉरेस्ट ऑफ ओक्स. इस रीजन में ओक्स के फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा है. गाइज, द हिमालयाज रीजन इज रिच इन अ वराइटी ऑफ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड स्पीसीज. गाइज, ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय के रीजन है ये कल्टीवेटेड और वाइल्ड स्पीसीज की बहुत सी वैरायटीज से भरे हुए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस असम रीजन के बारे में. तो गाइस, असम रीजन कंप्राइजेज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैलीज. गाइस, असम रीजन जो है उसमें ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां शामिल हैं. इसके अंतर्गत गाइस
एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ बम्बूज एंड टॉल ग्रासेस आती हैं। नेक्स्ट वन है गाइस द इंडस प्लेन। गाइस द इंडस प्लेन कंप्राइजेज ऑफ प्लेन्स ऑफ पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थन गुजरात एंड इट सपोर्ट्स ऑल नेचुरल वेजिटेशन। गाइस जो इंडस प्लेन है उसके अंतर्गत पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात हैं और ये जो है हर तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस गंगा प्लेन के बारे में। तो गंगा प्लेन रीजन इज मेनली अंडर कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, वीट, राइस। गाइस गंगा प्लेन के अंतर्गत गाइस सुगर केन और वीट और राइस का कल्टीवेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डिक्कन रीजन के बारे में। तो डिक्कन रीजन कंप्राइजेस द वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स। गाइस जो डिक्कन रीजन है वो विभिन्न प्रकार की प्लांट्स और जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनके कल्टीवेशन को वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मालाबार रीजन के बारे में। तो गाइस मालाबार रीजन कवर्स ह्यूमिड बेल्ट एंड दिस रीजन प्रोड्यूसेस कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कोकोनट, बिटल नट, कॉफ़ी, टी, रबर एंड अदर नट्स। गाइस मालाबार रीजन जो है वो ह्यूमिड बेल्ट यानी कि नम वाली जगहों को कवर करता है और यहाँ से गाइस व्यावसायिक रूप की जो फसलें हैं उनका उत्पादन होता है जैसे कि कोकोनट, बीटल नट यानी गाइस सुपारी, कॉफ़ी, टी, रबर एंड अदर टाइप्स के जो नट्स हैं वो। गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान रीजन के बारे में। द अंडमान रीजन अबुंडेंस इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड स्पीसीज। गाइस अंडमान रीजन में वाइल्ड स्पीसीज और फॉरेस्ट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की मेरी वीडियो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।